हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सुशील कुमार पाऊ। टुडे आई विल टीच यू यूनिट टू सेफली ब्राउजिंग द वेब। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है या भी जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आज के समय में, वो सब क्या हो गई, डिजिटल हो चुकी है। डिजिटल मीन्स कि अब हम जो भी हम वर्क करते हैं वो हम इंटरनेट के थ्रू अब ऑनलाइन वर्क करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने सारे डेटा, अपनी फाइल्स, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम क्या करते हैं ऑनलाइन पर, मतलब अपने इंटरनेट के थ्रू हम वहां पर अपलोड करके रखते हैं बिना सिक्योरिटी के, ठीक है ना, बिना सेफ्टी के। यदि हम उसे बिना सेफ्टी के रखेंगे तो उसका क्या है कि उसमें चोरी होने का, उस फाइल्स, जो भी आपने फाइल रखा है या फिर डेटा रखा हुआ है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो भी क्या है, इससे चोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें उसकी एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, उस सिक्योरिटी क्या कहते हैं, जिसे हम साइबर सेफ्टी कहते हैं। अब हम साइबर सेफ्टी के बारे में जानेंगे और इसके लिए हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी अबाउट साइबर सेफ्टी। व्हाट इज साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी होती क्या है। वी समटाइम्स हैव बिकम इंटरनेट predators and experience cyber bullying and misuse of social media, we can protect ourselves by securing our devices, software and connections. Means cyber security होती क्या है कि जो भी हम चीजें इंटरनेट पे अपलोड करते हैं उसमें कि वो क्या होता है, वो फाइल्स, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि उसमें उस फाइल से चोरी होने का, मतलब किसी के द्वारा भी कोई भी आसानी से उस फाइल को हैक कर सकता है और उस फाइल या फोल्डर को क्या करता है, चोरी कर सकता है, ठीक है। तो उसे हमें उस इस जो क्राइम हो रहा है, इस क्राइम से बचाने के लिए हमें उसे एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसे हम साइबर सेफ्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड, ब्राउजिंग। अब ये ब्राउजिंग क्या होती है स्टूडेंट, व्हाट इज द ब्राउजिंग। ब्राउजिंग इज अ सॉफ्टवेयर that you use to view web page on your computer. Means कहने का मतलब ये है कि ब्राउजिंग क्या होता है, या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वेब पेज के जो कलेक्शन होते हैं वो शो करता है। और ये वेब पेजेस में क्या क्या शो होता है ब्राउजिंग में, मीन जैसे आपके ग्राफिक्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, एनिमेशन हो गए, ठीक है, म्यूजिक हो गए, वीडियोज हो गए, और भी कई सारी चीजें क्या होती है इस ब्राउजर के थ्रू आपके उस वेब पेज पर शो होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसमें टाइप्स क्या होता है ब्राउजिंग के स्टूडेंट, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, एनोनिमस ब्राउजिंग एंड अ प्राइवेट ब्राउजिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ एनोनिमस ब्राउजिंग। एनोनिमस ब्राउजिंग क्या होता है कि एनोनिमस ब्राउजिंग इज अ डन बाय प्रॉक्सी सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड अदर एनोनिमस प्रोग्राम। मीन्स स्टूडेंट, आपका एनोनिमस ब्राउजिंग होता क्या है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी साइट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आप जब भी देखते होंगे कि आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो उसमें जहां पे सर्च ऑप्शन में जाते हो, आप जो भी आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे होते हो तो उस टॉपिक को जैसे सर्च करते हो तो उसके बारे में कई सारे वेब पेजेस, मतलब उसकी लिंक आती है वेब पेजेस की, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए, सपोज आपने उस ब्राउजर को क्लोज कर दिया, फिर कभी आपने मान लीजिए कुछ घंटे के बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ भी महीनों बाद आप जब उस ब्राउजर को ओपन करते हो, जैसे उसके बारे में जो भी आप उसी मान लीजिए कोई टॉपिक लिया, उसी को आप दोबारा सर्च कर रहे हो, जैसे ही आप एक वर्ड लिखोगे वो तुरंत लिखा हुआ आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। ये क्या होता है, आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है जो कि वो क्या होती है, सिस्टम में सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको कोई भी हो, चाहे अनदर पर्सन हो, अगर उस साइट पर जाता है, मतलब आप सिस्टम को यूज करता है, या मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने सिक्योरिटी नहीं दी है, तो क्या करता है, इस उसकी हिस्ट्री तो एक क्रिएट हो जाती है। तो यही क्या होता है कि जो भी हैकर होते हैं, मीन्स जो हैक करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को आसानी से उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो भी आप करते हो, जो भी आप सर्च करते हो इस ब्राउजर में, वो क्या होता है, उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, वो हमेशा एक हिस्ट्री के तौर पर हमेशा अवेलेबल होती है, उसे कोई भी आसानी से उसे देख सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग की। अब प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है आपकी, जैसा कि आपको नाम से स्टूडेंट लग रहा है कि प्राइवेट मींस कि उसे एक तरह से सिर्फ ऐसा रखना कि वो सिर्फ हमें मालूम हो, किसी अनदर पर्सन को मालूम ना चले, ठीक
ठीक है, तो ये कौन सी ब्राउजिंग होती है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकॉग्निटो ब्राउजिंग एंड वर्क इन प्राइवेट मोड। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये एक इनकॉग्निटो ब्राउजिंग होती है जिसमें क्या होता है, हम प्राइवेट मोड पर वर्क करते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी, जैसे भी मैंने बताया था कि आप जब एनोनिमस में ब्राउजिंग में जब आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे थे, उसकी एक हिस्ट्री बन रही थी, तो वो हिस्ट्री क्या करता था कि ये क्या हाइड नहीं करता था, और इसमें क्या होता है कि वो हिस्ट्री क्या करता है, हाइड कर देता है, जिससे कि आप अगर दोबारा सर्च करते हो तो उस जो भी आप टॉपिक लेते हो उस टॉपिक को आपको तुरंत वहां पर शो नहीं करता है, तुरंत आपको मतलब फिर न्यूज से उसे टाइप करके करना पड़ता है, मीन्स उसे क्या करता है, हाइड कर देता है। इस तरह से ये क्या करता है, ब्राउजिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसा कि अभी मैंने स्टूडेंट बताया कि आप जब भी कोई चीज सर्च करते हो या कोई भी चीज है, तो मैंने कहा अगर आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो वो आसानी से क्या होगी, चोरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये आईडी, आप जो भी आपकी आइडेंटिटी होती है वो चोरी कैसे होती है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड वेयर अ क्रिमिनल ऑब्टेन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू गेन सम फाइनेंशियल बेनिफिट। मीन्स जो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, जो हैकर्स होते हैं वो किस लिए आइडेंटिटी आपकी आईडी को चुराते हैं, इसलिए चुराते हैं ताकि उसे उन्हें कोई बेनिफिट हो सके कोई भी। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम किसी भी चीज की वजह से, अभी इस समय क्या हो रहा है कि आपका इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या हो रहा है, आपका अभी आप क्या चल रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। ठीक है, तो अब चाइना क्या चालाकी कर रहा है कि अब कई सारी साइट्स को और कई सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसे कोई हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, जब किसी हैकर्स के द्वारा हमारे मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है या किसी अदर पर्सन की इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करना, में चोरी कर लेना, ही हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब अगर जब चोरी भी होता है तो उससे बचने के उपाय भी होते हैं, जाहिर सी बात अगर चोरी होगा तो उपाय तो होगा ही, तो इसके लिए हम जानते हैं कुछ आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो भी हमारी आईडी होती है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम प्रोटेक्शन कैसे दें। ओके स्टूडेंट, नाउ टेल अबाउट आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज अ वी शुड इंस्टॉल गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने सिस्टम में हम कोई भी अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड है कि वी शुड नॉट डाउनलोड एनी अनवांटेड फाइल्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी जिस फाइल के बारे में हम जानते नहीं है, ठीक है, तो आप उसे इंस्टॉल नहीं करोगे। यदि आप उसे इंस्टॉल करोगे तो उसमें क्या होता है, उस फाइल के थ्रू एक वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद क्या होता है कि जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी उस हैकर्स के पास पहुंच जाएगी जो आपकी आईडी चुराना चाहता है। ओके स्टूडेंट, फिर आगे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, व्हाइल चैटिंग विद ऑनलाइन फ्रेंड्स वी शुड बी डिस्क्रीट एंड वुड नॉट रेंडर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम चैटिंग कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज अगर आप कोई भी अपने कोई आईडी बनाई है अकाउंट अपना, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है अपना, तो जीमेल अकाउंट में क्या होता है, आपका यूजर आईडी होता है एंड पासवर्ड होता है, तो आप किसी से भी आप शेयर नहीं करोगे। आप अगर आप ये अपना यूजर नेम पासवर्ड आपने शेयर कर दिया तो कोई भी आसानी से आपके जीमेल अकाउंट को हैक कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्राइवेसी कि अगर हम प्राइवेसी कैसे देंगे। भाई अगर कोई चीज हैकर थेफ्ट कर रहा है, मिस चोरी कर रहा है हमारी आइडेंटिटी को, तो उसके लिए प्राइवेसी भी जरूरी है, सिक्योरिटी भी जरूरी है, तो उसे हम कैसे देंगे। अब ठीक है, हम प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, ये प्राइवेसी होती क्या है।
All social networking sites have a variety of privacy settings that can help us adjust our preference. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है उसमें क्या होता है आपका कि ये सब क्या करते हैं कि आपकी ये आपकी जो भी चैनल जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हो आपको एक ऐसा प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी फाइल्स में सिक्योरिटी दे सकते हो. ठीक है, कि मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिक्योरिटी दे दिया तो कोई भी अदर पर्सन उस फाइल को या फिर जो भी आपकी जो भी चीज है आपने अपलोड किया हुआ है इंटरनेट पे उस चीज को नहीं देख पाएगा जब तक कि आप नहीं चाहेंगे. मीन्स जब तक आप उसको नहीं बताएंगे अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड तब तक वो बंदा जो भी आप पर्सन है उस चीज को आपकी इंफॉर्मेशन को देख नहीं पाएगा. इससे हम क्या कहते हैं, प्राइवेसी कहते हैं. मीन्स प्राइवेसी मतलब होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना अपने ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन को. तो इस वजह से भी कुछ टाइप्स होते हैं प्राइवेसी के लिए जिसमें हम क्या करते हैं कि पासवर्ड का यूज करते हैं. जैसे आपने क्या कहा, जैसे अभी मैंने कहा आपके अकाउंट में कि आपने क्या किया, आपने यूजर आईडी बनाया एंड पासवर्ड लगाया. अब वो पासवर्ड कैसे होते हैं, ठीक है ना. जब ये पासवर्ड आपका क्या होता है कि आपके टू टाइप्स के होते हैं, कॉमन पासवर्ड एंड अ स्ट्रांग पासवर्ड. ठीक है, अब ये कॉमन पासवर्ड क्या होता है, देखा जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि कॉमन पासवर्ड मीन्स एक जैसा. बहुत सारे होते हैं कि वो क्या करते हैं सिर्फ एक ही पासवर्ड बनाए रहते हैं और वो हर जगह यूज करते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल में हो, चाहे अगर आप जीमेल की बात करो वहां पर हो, ठीक है, अगर आप एफबी यूज करो फेसबुक तो वहां पर भी वो पासवर्ड क्या रखते हैं, सेम रखते हैं. और भी कई जगह मान लीजिए अगर अपने वहां पे सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं कहीं पर ऑफिस वगैरह में तो सिस्टम में भी वो क्या करते हैं उस फाइल में भी अपने पासवर्ड को सेम रखते हैं ताकि वो इसलिए सोचते हैं ना कि हमें एक ही पासवर्ड रहेगा तो हमें याद रहेगा. लेकिन वो क्या करते हैं, ये गलत करते हैं. अगर वो सेम पासवर्ड रखेंगे तो कोई भी हैकर क्या होगा, आसानी से उसे हैक कर सकता है. और अगर बहुत हम क्या करते हैं, बहुत इजी पासवर्ड बना देते हैं कि और भी आसानी रहे, जैसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, या फिर अपना नाम ही दे दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, ये क्या होता है, बहुत ही इजी पासवर्ड बन जाता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी हैकर उसको आसानी से हैक कर सकता है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि कॉमन पासवर्ड कहते हैं. जो एक ही पासवर्ड को अगर हम कई जगह यूज करते हैं तो उसे ही हम कॉमन पासवर्ड कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ स्ट्रांग पासवर्ड. स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है आपका, जैसा ही मैंने बताया कॉमन पासवर्ड क्या होता है कि जो सभी जगह कॉमन होता है. स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है, स्ट्रांग से आपके नाम से ही लग रहा होगा कि स्ट्रांग मतलब तो बहुत ही मजबूत, ठीक है ना, कि आप ऐसा पासवर्ड बनाइए कि कोई भी हैक ना कर पाए. मीन्स जो भी हैकर थे वो परेशान हो जाए आपके पासवर्ड को हैक करने के लिए, ऐसा पासवर्ड बनाइए. तो ऐसा पासवर्ड बनाने के लिए हमें करना क्या क्या होगा, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, चलिए उसके बारे में जानते हैं. डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, बर्थडे और स्पाउस नेम एज इट मेक्स इजियर टू गेस योर पासवर्ड. मीन्स जैसा अभी मैंने बताया था स्टूडेंट कि बहुत बड़े जो भी यूजर्स होते हैं पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं पासवर्ड मीन्स एक ऐसा कॉमन पासवर्ड जैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल नंबर मैंने कहा, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये सब जो आप करते हो तो अगर आपने बनाया भी हुआ है तो किसी से आप शेयर मत करो, ठीक है, और ना ही किसी को बताओ कि मैंने यहां पर ये पासवर्ड रखा हुआ है, इसमें ये पासवर्ड है. ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. यूज लॉन्ग पासवर्ड, आइडली शुड बी 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग. मीन्स कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट आप जो भी पासवर्ड बना रहे हो कोशिश करिए कि वो क्या हो, बड़े से बड़ा पासवर्ड हो. मीन्स मिनिमम आपके 12 कैरेक्टर्स के होने चाहिए, ठीक है. फिर आगे नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. डू नॉट राइट डाउन पासवर्ड इट इफ एट ऑल, कीप इट इन सिक्योर प्लेस सो दैट नो वन हैज एन एक्सेस टू इट. मीन्स एक ऐसा पासवर्ड बनाइए कि कोई भी हैकर उसे एक्सेस ना कर पाए. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. डोंट यूज द सेम पासवर्ड फॉर इच अकाउंट.
मीन्स कि आप, मैंने अभी जैसे बताया था कि आप कई सारे अकाउंट बनाते हो, आप सेम पासवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो सेम आप पासवर्ड यूज करते हो उस सेम पासवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप हर जगह अलग अलग पासवर्ड डालिए और थोड़ा सा डिफरेंट डालिए और स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए कि कोई भी हैकर उसे हैक ना कर पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इंक्लूड नंबर सिंबल्स एंड बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। मीन्स कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि आप जो भी पासवर्ड बनाइए लोअर केस अपर केस एंड अ नंबर्स एंड अ सिंबल्स, मीन्स इन सब का यूज करके ही बनाइए। ये क्या होता है, आपका स्ट्रांग पासवर्ड होता है कि कोई भी आसानी से इसे हैक नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसा कि आपको हम बता दे रहे हैं, सपोज अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बना रहे हैं कोई भी पासवर्ड, तो मान लीजिए मैंने अपना बनाया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको नंबर सिंबल्स लोअर केस एंड अपर केस, तो वो कैसे पासवर्ड बनेगा। मान लीजिए हम अपना बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना नाम एस, फिर बाकी नाम लिखेंगे सुशील एट द रेट 1, 2, 3 and 4, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका कैपिटल लेटर भी हो गया, आपका स्मॉल लेटर भी हो गया, एक सिंबल भी हो गया, और क्या हो गया, नंबर हो गया। अब कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और आप कोई भी दे दो, जरूरी नहीं कि आपका 12 का ही हो, मतलब कि आपका मैक्सिमम 12 का होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका 12 का ही हो, ठीक है। तो मैंने बताया अभी 12 कैरेक्टर मीन मैक्सिमम आपका 12 कैरेक्टर का होना चाहिए जो कि आप पासवर्ड क्रिएट करते हो। अब इसे इरेज कर दें। ठीक है स्टूडेंट, ये बात होगी आपकी स्ट्रांग पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड एंड स्ट्रांग पासवर्ड की बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। यू कैन सी हियर अ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन अपनी साइट पे अपलोड किया है, तो हमें क्या कॉन्फिडेंट हो कि हमने उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है और कोई भी हैकर उसे हैक कर नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिफर्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मीन्स जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप क्या करते हो कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, विश्वास, आप विश्वास के साथ कि हम कंफर्म है कि हमने जो भी चीज अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने सिक्योरिटी दे के रखा हुआ है कि कोई भी हैकर उसे हैक नहीं कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। प्राइवेसी इश्यूज इन फ्यूचर। मीन्स इसका मतलब क्या है, कि कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करता है, फ्यूचर में बहुत ही हानिकारक सिद्ध, मतलब बहुत ही हानि हमारे लिए, मतलब कि बहुत ही लॉस पहुंचाता है हमें, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल आर इंक्रीजिंगली गेटिंग यूनाइटेड ओवर द इंटरनेट अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। मीन्स कहने मतलब इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई चीज यूज कर रहे होते हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है, ठीक है, मीन्स कहने मतलब आपने क्या किया, पासवर्ड नहीं दिया और कई सारे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और उसने आपने क्या किया सिक्योरिटी नहीं दिया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कहने मतलब ये क्या है कि अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया तो कोई भी हैकर क्या होता है, आसानी से उसे हैक कर सकता है फ्यूचर में, कभी भी वो जब चाहे तब हैक कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इस टाइप्स क्या कह सकते हैं हम इसे, कि सम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस जिसे हम कह सकते हैं।
अब इसमें इसकी डिवाइसेस कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक, वेब बग, स्पायवेयर एंड कुकीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अ वेब बग। वेब बग होता क्या है? तो स्टूडेंट, इट इज अ फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन अ वेब पेज इन एन ईमेल मैसेजेस टू मॉनिटर यूजर बिहेवियर। इफ स्पैमर्स यूज वेब बग टू वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस। मीन्स कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये क्या तरह होता है, एक तरह से फाइल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपका ईमेल में आता है, आपका मैसेज आते हैं, तो जैसा भी मैंने बताया था आपको पहले ही कि अगर आपके मेल में अगर कोई फाइल या मैसेज आता है तो आप उस फाइल या मैसेज को आपको ओपन नहीं करना है। यदि आपने ओपन किया तो मैंने क्या बताया था कि आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को उस हैकर तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये वायरस ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं कि ताकि आप जैसे उस वायरस, जो भी फाइल्स में अगर वायरस फाइल के साथ ही सेंड करते हैं हैकर, अगर जैसे ही आपने उस फाइल को ओपन किया तुरंत आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन से तक वहां तक पहुंचा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर डिवाइस विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द इन यूजर्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट कि स्पाइवेयर क्या होता है, कि ये क्या होता है कि आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक क्या होता है, अपलोड हो जाता है। जैसा ही मैंने बताया कि जैसे ही आपने सिस्टम में कोई फाइल ओपन किया मेल से या कहीं से भी जो भी आया हुआ है, तो क्या करता है वो आपके सिस्टम में वायरस की तरह वो क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है ना, इंस्टॉल हो जाता है वायरस की तरह, तो उसे हम एक तरह से क्या कहते हैं, स्पाइवेयर कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरह वायरस है जो कि आपके सिस्टम की सारे, मतलब कि यूजर्स को कोई पता नहीं चलता है, विदाउट उसके परमिशन के ही आपने जैसे ही फाइल क्लिक किया आप यूजर को पता भी नहीं चला और उसके कब सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और इंस्टॉल होने के बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ना जाने कब चली गई उसके पास, हैकर्स के पास, और उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। ठीक है, तो स्पाइवेयर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स के विदाउट, यूजर्स की परमिशन के बिना उनके सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ कुकीज। कुकीज क्या होती है? कुकीज जैसे अभी मैंने स्टूडेंट आपको पहले ही बताया था कि जब आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो किसी ब्राउजर पर, तो जब आप ब्राउजर पर सर्च करते हो तो मैंने बताया था कि आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है। तो वो हिस्ट्री क्या कहलाती है आपको, तो जो वो हिस्ट्री होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। मीन्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है ताकि आप कभी भी फ्यूचर में जब भी आप उस साइट पर जाइए और जैसे ही आप उसका नाम एक भी थोड़ा सा मिस अल्फाबेट आप एंटर करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी आपने सर्च किया पहले से, तो कई सारी आपकी हिस्ट्री शो करके दिखा देगा कि आपने इस अल्फाबेट से रिलेटेड कई सारी हिस्ट्री को आपने सर्च कर चुके हो। ठीक है, तो उसी जो ये हिस्ट्री होती जो स्टोर करके ब्राउजर अपने पास रखता है, उस हिस्ट्री को ही हम कुकीज कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। साइबर क्राइम। अब ये साइबर क्राइम क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर, एनी कंप्यूटिंग डिवाइस एंड अ नेटवर्क। मीन्स जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको स्टूडेंट साइबर क्राइम के बारे में, मैंने इसके बारे में बताया था आपको क्राइम होता कैसे है। जो भी आप इंटरनेट वर्क करते हो, आपने बताया कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अपलोड कर दिया, फाइल अपनी अपलोड कर दी और उसमें सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो ये तो वो क्या होता है आपका, वो चोरी हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये चोरी जो हो रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं। ठीक है, और क्राइम कहाँ पे हो रहा है आपका, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, मीन्स ऑनलाइन हो रहा है आपका, नेट पर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम साइबर क्राइम कहते हैं। मीन्स जो इंटरनेट के थ्रू चोरी की जाती है, क्राइम की जाती है, उसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं।
और ये जो आप क्राइम होता है, ये क्राइम किस लिए किया जाता है? जैसा मैंने बताया था, स्टूडेंट क्या किस लिए करते हैं कॉस्टली क्राइम, ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके और आपसे से फायदा उठा सके। ठीक है, तो कई सारे जैसे होते हैं, उन्होंने क्या किया कि आपको कभी कभी क्या होता है, एक ऐसे मैसेज दे दिया कि आपको धमकी दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपने कुछ, अगर आप वैसे कभी कभी क्या होता है, पैसा इकोनॉमिकली है, मतलब कि आप क्या होते हैं, पैसे ही धमकी देते हैं, यदि आपने पैसा नहीं दिया, इस अकाउंट नहीं चेंज किया, तो हम आप मतलब ब्लैकमेल करने का एक तरह से काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं वो। ठीक है, जिससे कि उनको किसी ना किसी तरह से उनको फायदा हो। ठीक है, या तो कभी कभी क्या होता है, आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, बैंक अकाउंट को, और वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट हैक करने के बाद आपके पूरे पैसे को निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, आप चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। When attackers use electronic communication like messages and emails to harass the user is referred to cyber stalking. Means कहने मतलब ये है कि जब हम जैसे जो भी attackers होते हैं वो क्या करते हैं, electronic communication का use करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि message send करते हैं। ठीक है, या मतलब कुछ भी चीज, ऐसे चीजें जो वो send करते हैं जिसके through क्या होता है, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे ही हम साइबर स्टैकिंग कहते हैं। कि जैसे आपको ब्लैकमेल करना मैसेज के थ्रू या कोई वीडियो के थ्रू, आप कुछ ऐसे ऐसे वीडियो सेंड कर दिया। ठीक है, मीन्स अब बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि आपको जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, उसी को ही जो ये ब्लैकमेल करना होता है उसे ही हम साइबर स्टैकिंग कहते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तब जैसे हम इसके बारे में अगर हम कुछ बात करना चाहें कि किस तरह से वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से आपको परेशान करना चाहते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दे कीप रिकॉर्ड ऑफ आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, रेसिडेंस, वर्क प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एक्सेट्रा। मीन्स कहने मतलब जैसे कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स को क्या करते हैं, वो हैक करते हैं। जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एंड आपका कई सर मतलब कि जो भी आप कहाँ पर रहते हो, आपको पूरे एड्रेस वगैरह हो गया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे निकाल लेते हैं। और उससे फिर आपके बारे में बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप कोई वीडियो हो गई तो वो आपको पास सेंड करेंगे और आपको क्या करेंगे, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और सेकेंड पॉइंट, कैसे वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। दे कैन पोस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन ऑफ और इलीगल वेबसाइट। मीन्स मैंने भी मैंने बताया कि जैसे कि आप क्या करते हैं वो, कि कई सारे आपको वेबसाइट के थ्रू कई सारे आपको मैसेज सेंड करेंगे या वीडियो सेंड करेंगे जिसमें आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं, ये रहा आपका साइबर स्टैकिंग के बारे में, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।